पाकिस्तान सिर्फ 24 साल बाद अपनी सिल्वर जुबली का जश्न मनाने से पहले दोलख्त होकर कौम को एक अजीम सानहे से दोचार कर गया। आज इस वाक़े पर कई दहाइयां बीत चुकी हैं, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि यह सानहा क्यों रूनमा हुआ और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। उस वक्त की सियासी क्यादत पर, जिसने मशरकी पाकिस्तान के बारे में बेएतनाई का रवैया इख्तियार किए रखा, या उस वक्त की फौजी क्यादत पर, जिसने साजिशी अनासर की सरगर्मियों के सदबाब के लिए मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार न की और आर्मी एक्शन उस वक्त किया गया जब सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी थी। हालात को इस नहज तक पहुँचाने के लिए दुश्मन ताकतों ने मुत्तहिद होकर बंगाली अवाम के जहनों में मगरबी पाकिस्तान के लिए नफरत के बीज बोए और उन्हें बगावत पर आमादा किया। किसी ने हुकूक की जंग लड़ी तो किसी ने मुफादात की, कोई आजादी का अलमबरदार बना तो कोई गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा, कोई मंजर पर रहा तो कोई पसे मंजर में। लेकिन अब इस वक्त की सूरत हाल को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद काफी हद तक हकाइक वाजे हो गए हैं। कमीशन ने इन अवामिल को बेनकाब करने की कोशिश की है जिनकी वजह से मुल्क दोलख्त हुआ और तारीख इंसानी के वो होलनाक वाकयात रूनमा हुए जिनको पढ़कर इंसान शशदर रह जाता है कि इन वाकयात का जहूर इंसानों बल्कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए मुल्क के मुहाफिजों के हाथों जहूर पजीर हुए। रिपोर्ट का एक एक सफा चशम कुशा और मालूमात अफसा है। हमूदुर रहमान कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने कहा कि मैंने जनरल मोहम्मद याहिया खान से कहा था कि इस मसले का हल सियासी होना चाहिए, जब वो इस तरफ न आए तो मैंने इनसे 2 डिवीजन फौज का मुतालबा किया। इस मौके पर जनरल अरोड़ा ने दावा किया था कि फौज 16 दिनों में ढाका पहुँच जाएगी, जबकि दूसरी जानी पाकिस्तानी आला हुकाम भी मशरकी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे। 13 दिसंबर को मैंने आखिरी गोली आखिरी आदमी का हुक्म दिया, ये फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मेरे तमाम साथियों ने इस पर लब्बैक कहा। इस मौके पर याहिया खान ने कहा कि हथियार डाल दे क्योंकि मगरबी पाकिस्तान भी खतरे से दोचार है, अगर मगरबी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो मशरकी पाकिस्तान का क्या करेंगे, लिहाजा बहैसियत फौज सरबराहे मुमलिकत का हुक्म मानना मेरा फर्ज था। उन्होंने कहा कि पर्दा नशीनों को मालूम है कि अगर इस सानहे की सही इंक्वायरी हो तो बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे। अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी इस अमर का जिक्र कर दिया जाता तो भुट्टो को भी इक्तदार न मिलता। जनरल नियाजी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन वाकयात की इंक्वायरी होनी चाहिए। पहला कि जनरल जहिया ने इलेक्शन कराने के बाद इक्तदार अवामी लीग के हवाले क्यों नहीं किया। दूसरा ये कि मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला क्यों और किन हालात में किया गया, याकूब खान टिका खान और मेरा इसमें क्या किरदार था। तीसरा ये कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान का दिफा क्यों नहीं किया जबकि मगरबी पाकिस्तान में फौज की आला क्यादत समेत तमाम मशीनरी मौजूद थी। लिहाजा जब तक मगरबी पाकिस्तान के किरदार का सही जायजा नहीं लिया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। जनरल नियाजी ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में 3,000 मुरबा मील के दिफा के लिए 45,000 फौज मुख्तस की गई थी जबकि उन्हें भारत की 5 लाख फौज का सामना था। इसके बरक्स मगरबी पाकिस्तान में 4.5 लाख फौज मौजूद थी जिसमें 5 डिवीजन फौज इसलिए रखी गई थी जब वक्त जरूरत मशरकी पाकिस्तान जाएगी। मगर जब 21 नवंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान पर हमला हुआ तो याहिया खान ने जवाबी हमला करने की बजाय कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। 13 दिन तक मगरबी पाकिस्तान की जानिब से कोई मदद नहीं की गई, यहाँ तक कि अक्वामे मुत्तहिदा से भी रुजू नहीं किया गया जबकि आगा शाही ने मशवरा दिया था कि अक्वामे मुत्तहिदा में जाना चाहिए। इन मशवरों पर अमल न करने की वजह से मगरबी पाकिस्तान का 5,745 मुरबा मील का इलाका भी जाता रहा। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूथ ऑरेंट ने भी इंदिरा गांधी से कहा कि इसका सियासी हल होना चाहिए, मगर याहिया खान ने जंग खत्म करने का ऐलान किया। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।